Wow. हाथ में लगा लेकिन वेट बहुत ज्यादा है सुनी भाई। हे गाइस व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज मटर ब्लॉग। कैसे तो आज मैं ब्लॉग के साथ फिर से स्वागत है आपका। आज के लिए मैं जा रहा हूँ आईफोन खरीदने, और कहाँ जा रहा हूँ रांची में ये मैं बताऊँगा। इस ब्लॉग को देखते रहना, कितने में खरीदता हूँ, कितने में मिल जाता है और कैसा आईफोन है। लेकिन सेकेंड हैंड आईफोन खरीदेंगे क्योंकि नया का रेट बहुत ज़्यादा है, मुझे एक ज़रूरी है एंड किसी को देना है आईफोन। तो अभी मैं अपने फ्लैट के नीचे और अभी जा रहे हैं मार्केट। और जैसा कि कल वाले आप लोगों ने ब्लॉग देखा, काफ़ी अच्छा खासा प्यार दिया, तो वो ब्लॉग नहीं देखे, काफ़ी मतलब एक टनल को हमने कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर वो ब्लॉग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। और अभी हम लोग चलते हैं सुधा कम्प्लेक्स रांची में, जहाँ सेकेंड हैंड फ़ोन मिलता है। और ये हमारा स्कूटी है जो अभी मैं सर्विसिंग में देने वाला हूँ, लेकिन कल के ब्लॉग में पता चलेगा ये कल मैं दूंगा सर्विसिंग में। बहुत दिन से सर्विसिंग में मैंने नहीं दिया था। एक्चुअली हुआ क्या था, एक बार एक्सीडेंट कर गया था तो ये सारा चीज़ चेंज हुआ था। लेकिन यहाँ पे देख रहे कोई चीज़ है नहीं, एक यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे इसका मेडिगार्ड वाला चीज़ है नहीं। मुझे आई थिंक कल जा कर के सर्विस सेंटर में जाकर देना होगा। तो अभी फ़िलहाल चलते बगली में मोबाइल फ़ोन में, हमारे फ्लैट से एकदम नज़दीक है। मेन रोड, और मेन रोड में है सुधा मार्केट, और हमारे साथ एक फ्रेंड है जो कि इनका मोबाइल का दुकान है। एसएम मोबाइल। कौन मोबाइल? एसएम। तो ये सुधा कम्प्लेक्स अभी जा रहे हैं, मैं यही फोन खरीदने। मुंटी भाई बढ़िया? हाँ एकदम बढ़िया। सन्नी भाई है? तो ये मोबाइल दुकान बहुत सारा। भाई क्या हाल चाल? बढ़िया। गर्दा उड़ा के बेच रहे फोन? वीडियो नहीं बना रहे क्या? बन गया आपका, स्टोरी में डाले। तो ये फोन मार्केट में सारा सेकंड हैंड का मार्केट है। तो हम आ गए फोन के दुकान में, यहाँ सन्नी भाई से फोन आ गया। फोन जो बोल रहे थे आप, 12 प्रो। कौन कौन सा कलर में है? मैंने इसी मार्केट से 12 प्रो मैक्स खरीदा था, लेकिन अब एक और फोन सोच रहा हूँ खरीदने के लिए, और देखते हैं कि सन्नी भाई कौन सा फोन देता है। ठीक है आप दिखा दो, फोन निकालिए। कौन सा फोन रहेगा सही बता। ये बैटरी है 4 दिन भी चलाइएगा तो कुछ होगा नहीं, गेम खेलिएगा 2 दिन चलेगा। अच्छा और दिखाइए। ये जाली फोन है, जाली फोन घरा हुआ है, 12 जाली फोन है। अब तक का सबसे हॉट मॉडल आईफोन का। हाथ में लगा लेकिन वेट बहुत ज्यादा है सनी भाई। का बैटरी हेल्थ वगैरह ये सब? बैटरी हेल्थ वगैरह 95% बैटरी हेल्थ। अभी मैं फोन का बैटरी हेल्थ वगैरह चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर बता दें कि कितना में फोन खरीदेंगे और कितना यहाँ पैसा पे करेंगे। ऐसे तो पैसा देना नहीं है, इतना प्रमोशन कर दिया कि नहीं सनी भाई? फोन ऑफ करना पड़ेगा। चलो ठीक है। ओके तो फोन का भी रिसर्च चल रहा है। सभी भाई बोले कि 2-3 दिन रुक जाओ ना, उसके बाद फिर फोन लेना, क्योंकि आने वाला कुछ 24 तारीख को 13 प्रो मैक्स इसीलिए बोल रहे हैं। लीजिए मिस्टर भाई। तो यहाँ पे भी चल रहा है पार्टी, क्या बात है। किस खुशी में दे रहे हैं? ऐसे ही ढोकला खाइएगा, चाइनीज समोसा खाइए। नहीं एक ठो ये खाने दीजिए, रस माधुरी वो नमकीन कुछ खाइए ना। ठीक है, चाइनीज समोसा खाइए ना। हाँ दीजिए। अच्छा चाइनीज समोसा। हाँ आप क्या खा रहे हैं? ढोकला। ये क्या थे भाई? ये क्या है? टेस्टी होगा मेरे ख्याल से। नाम पूछिए ना, क्या नाम है? कौन सा ब्लैक वाला? डोनट। पेस्ट्री टाइप में आता है ना? हाँ क्या वही तो। शेखर तो ये है चाइनीज समोसा, अंदर में चौमिन निकलेगा। अच्छा ऐसा क्या? सही में अंदर में चौमिन निकला है। वाह भैया, ये मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। समोसा खाने के बाद ये रस माधुरी, ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ का रस माधुरी।
ये भी फोन 12 प्रो मैक्स ये सैफी भाई दिए थे जो अभी तक यूज कर रहे हैं और अभी तक कोई फॉल्ट वगैरह मुझे नहीं लगा। सब लोग बोलते भाई साहब कम्प्लेक्स में माल ये वगैरह क्या बोलते थे कि सामान निकाल करके बेचते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये लोग परमानेंट काम करते हैं। बस मेरा 4-5 दिन के बाद लेंगे। चलो आज के लिए यही पेंट करते हैं, अभी चलते देखते दूसरा काम भी बचा हुआ है। तो ये मार्केट है, आपका दुकान नंबर कितना है? 6 6 सैफी मोबाइल सब कुछ पूछते रहता है। ओके फाइनली सुधा मार्केट से तो मैं यहाँ गया, लेकिन मैं आया हूँ रांची का न्यूक्लियस मॉल। ये हमारा रांची का काफ़ी टॉप मॉल है, रांची का न्यूक्लियस मॉल। तो मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यहाँ पे गेम खेलना। तो अभी मैं इसलिए आया था कि मैं यहाँ पे गेम खेलूँगा और देखते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। एक चीज़ बताना भूल गया था, मेरी सिस्टर ने जो नर्स है वो मेरे को मास्क दी थी। ये मास्क करीब कितने का है? 225 रुपये का। पता नहीं इस मास्क में क्या खास बात है, लेकिन बोले कि लो जब भी जाएगा तो पहन के जाना, ये काफ़ी सेफ्टी रखता है। से अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि मॉल में एंट्री ऐसा होने नहीं देगा। वो अच्छा है लॉक करने के लिए, कैसे ऐसे कैसे और यहाँ से लॉक हो जाए। ये अभी चलते हैं मॉल के अंदर और देखते हैं क्या है यहाँ। क्या नहीं, बहुत कुछ है। तो इस मॉल के अंदर आपको एप्पल का स्टोर भी मिलेगा, यहाँ से आईफोन वगैरह भी खरीद सकते हैं। ये जो फोन से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये भी फ़ोन यहीं का है और यहाँ से खरीद करके, मतलब यहाँ से जो ख़रीदा था नया वो सुधा मार्केट में भेज दिया था, तो मैंने वहाँ से ख़रीद लिया था। तो अब ये मॉल में आ गए। ये मॉल काफ़ी बड़ा है जैसा देख सकते हैं। और अभी चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, गेम वगैरह सारा चीज़ वहीं पर है, वहीं पे खेलना है मुझे जा करके, क्योंकि मेरे पास एक कार्ड है जो कार्ड मैंने रिचार्ज करके रखा था, अभी तक मैंने यूज नहीं किया। फाइनली यहाँ पे गेम जोन पे आ गए और यहाँ पे कुछ हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। क्या नाम हुआ? अब्दुल्ला। आपका? अली रजा। पूरा वीडियो देखते हो? हाँ पूरा देखते। यहाँ पे दो सब्सक्राइबर मिले हैं, पता नहीं अभी कितने मिलेंगे, बाहर भी मिले थे, पहचान नहीं पाएगा भाई। मास्क उस लगाए थे, पूरा पहचान लिया, कोई बात नहीं। तो अब आ गए हैं यहाँ पे टाइम जोन में, जाते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या क्या गेम है। मेरे पास कार्ड बना हुआ है ऑलरेडी। चलो भाई ठीक है बाय। तो ये मेरे पास कार्ड है, ये कार्ड को मैंने रिचार्ज कराया था, पहले देख लेते हैं बैलेंस कितना है। इसको चेक करिए तो बैलेंस कितना है। ये सारा बच्चों लोगों के लिए खेलने के लिए गेम। ये मेरा कार्ड चेक करिए तो 4 वॉलीबॉल खेलने के लिए ऑफर था, इसमें बचा हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, खत्म हो गया, 1 महीना क्रॉस कर गया था। वो अपना ब्लॉगिंग करते हैं भाई, YouTube पे मेरा चैनल है समझे। कितना बैलेंस है? बैलेंस आपका है 853। और वो जिंदा वाला ऑफर नहीं दिया है उसमें? सर आपका था, आपने रिचार्ज कराया था 12 अगस्त। हाँ 12 अगस्त से 12 सितंबर। हाँ सितंबर तक ही था पहले, 1 month का था टाइम। 30 दिन था। कराते उस दिन से ही। थैंक यू सर। तो अच्छा, तो मैंने रिचार्ज कराया था इसको और 1 month तक का था, आदमी 4 उसे खेल सकता था। क्या बोलते उसे? बॉलिंग। तो वो बॉलिंग हम लोग 4 खेल सकते थे, ऑफर भी मिला था 1 रिचार्ज कराने पे। और अभी नहीं, अभी मेन बैलेंस हम लोग खेल सकते हैं ना। हाँ सर, तो अभी मेन बैलेंस अभी इसे जा करके खेलते हैं। तो अभी मैं हथौड़ी मारूंगा, जितना ये हथौड़ी है इसमें रिचार्ज करना पड़ता है, इससे लेकर इसे मारना है। जितना आप जोर से मारोगे उतना ऊपर तक ये जंप होगा। तो अभी मैं इसे ट्राई करता हूँ, इस कार्ड को पहले रिचार्ज कर लेते हैं। चलो डन। ओके तो ये हथौड़ी मिल गया, अब इससे देखते कितना हाइट तक पहुँचा सकते हैं एक हथौड़ी में। बस 22। एक बार और ट्राई। दो बड़ा।
वो उधर हॉर्स है, बहुत सारा गेम है यहाँ पर। तो अभी मैंने ये गेम खेला, ये गेम में मुझे 200 टिकट मिला, 200 यहाँ से ऐसे। ये भाई पूरा बाल्टी भर के टिकट। तो यहाँ पे जितना भी गेम हाउस था मैं सब खेल लिया, खेलने के बाद इतना टिकट जमा किया और अभी यहाँ पे निकल रहा है। ये टिकट से फ़ायदा क्या है ना कि बच्चों लोग के लिए खिलौना वगैरह लेना हो ना तो आपको मिल जाएगा। मैं खिलौना भी दिखाऊंगा कि टिकट से क्या क्या खिलौने मिलते हैं। मैंने भर के बाल्टी पूरा जमा कर लिया टिकट। तो यहाँ पे 1600 टिकट मिला है मुझे और टिकट जमा कर लिया हूँ कार्ड में। अब देखते हैं कि क्या लेने लायक है 1600 टिकट में, मैं क्या ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जितना देख सकते हैं ये टिकट है, ये बैडमिंटन है, ये 2500 टिकट पे आप ले सकते हो, सब बच्चों का खेलने के लिए। लेकिन मेरा काम का कोई दिख ही नहीं रहा तो मैं लूँगा नहीं। अरे वाह, 150 टिकट में ये ट्रॉफी। मेरा काम का यहाँ कुछ बॉल भी है और ये सब टिकट पे है। ये 225 टिकट लगेगा इसका एक बॉल का, मज़ा नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं लूँगा। गेम खेलने के बाद कुछ खाने का मन किया, मैं सोच रहा हूँ कि एक स्मोकी आइसक्रीम होता है वो खाऊँ। कौन सा? ये वाला भैया, ये वाला एक बना देना, स्मोकी ड्राइंग। यहाँ पे बहुत सा चीज़ ऐसा बना हुआ है, जैसा देख सकते हैं ताजमहल 734 रुपीज़ का है। और क्या बना हुआ है, एफिल टावर भी बना हुआ है, ये सब खाने वाला चीज़ है। तो इत्तफाक से यहाँ पे एक सब्सक्राइबर मिल गया। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम किसको सर, जानते हो मैं? यस सर। सारा वीडियो देखते हैं? यस सर। अगर आप भी आ गए इस ब्लॉग में? यस सर। कल आएगा आपका वीडियो? यस सर। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। यस सर। यहाँ हमारा आइसक्रीम रेडी हो रहा है स्मोकी। वाओ, थैंक यू। आप लोग भी आके ब्लॉग में, कल आएगा 10 बजे, मॉन्टी ब्लॉग से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये तो कर चुके हैं, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आइसक्रीम हमारा रेडी है जैसा देख सकते हैं। तो इसे टेस्ट करके देखते हैं, गरम और ठंडा दोनों मिक्स करके पूरा चॉकलेट फ्लेवर है। मजा आ रहा है। एनीवे गाइस, आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। पसंद आया तो बस एक लाइक कर देना इस आइसक्रीम के लिए और आना तो यहाँ जरूर स्मोकी आइसक्रीम खाना। ओके, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बी ए फिफ्थ।